थर्ड क्लास सब्जेक्ट साइंस। टुडे विल बी अंडरस्टैंड टॉपिक वेदर। वेदर क्या होते हैं बच्चों? वेदर मींस मौसम ना। हम लोग कितने सारे वेदर को फील करते हैं। हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे बहुत टाइप्स के वेदर होते हैं। कौन कौन से अभी कौन सा वेदर चल रहा है? विंटर सीजन चल रहा है, फिर समर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम, स्प्रिंग, है ना। तो ये सारे जो वेदर होते हैं ये क्या कैसे चेंज होते हैं, हमें कैसे फील होता है कि कब ठंड है कब गर्मी है, हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे जो वातावरण में जब कभी कभी जब ज़्यादा नमी आ जाती है तो हमें क्या ठंड लगने लगती है, या ज़्यादा जब तेज़ी आती है, जब सूरज तेज निकलता है गर्मी तो हमें गर्मी लगने लगती है, समर सीज़न आ जाता है ना, जब क्लाउडी होता है तो रेनी सीज़न आ जाता है, या जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो हम उसी के कहते ऑटम सीज़न, और ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है तो हम क्या वो स्प्रिंग सीजन होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर पे जो चेंज होता है, डिग्रीज का चेंज होता है, कभी कोल्ड कभी हॉट कभी वेट कभी ड्राई, तो वो क्या चेंज करते हैं? वेदर चेंज करते हैं। टेम्परेचर एंड मॉइस्चराइजर के थ्रू क्या होता है, हमारे वेदर में चेंज आता है। इस वजह से हम अपने वन ईयर में कितने सारे वेदर को फील कर पाते हैं, ठंड को, गर्मियों को, बरसातों को, रेनी, सब चीज़ों को फील कर पाते हैं। अभी हम लोग का ठंड है, फिर उसके बाद स्प्रिंग सीजन भी आता है, फिर उसके बाद समर। तो ये किसकी वजह से होता है? ये हमारे एटमॉस्फेयर में डिग्रीज की चेंज की वजह से होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।